पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी इस बारे में आधिकारिक तौर पर तो पता टॉस के बाद ही चलेगा, लेकिन जो कयास लग रहे हैं उसके मुताबिक अश्विन को जगह मिल सकती है। उनके अलावा बाकी खिलाड़ियों को लेकर भी स्थिति साफ होती दिखी है। पर्थ टेस्ट के शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू है और अगर ये कहा जाए कि सीरीज के पहले मैच में अश्विन के खेलने के आसार हैं तो उसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि अश्विन भारतीय प्लेइंग 11 में इकलौते स्पिनर की तरह खेल सकते हैं। पर्थ में अश्विन क्यों खेलेंगे, उनका खेलना क्यों जरूरी है, इसकी भी वजह साफ है। इसके अलावा पर्थ से आई तस्वीरों के जरिए टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय प्लेइंग 11 का भी अंदाजा लगने लगा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अश्विन क्यों खेल सकते हैं पर्थ टेस्ट। इसके पीछे की वजह ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप है, जिसमें माना जा रहा है कि 3 लेफ्ट हैंडर्स होंगे। अब जहां लेफ्ट हैंडर्स हैं वहां अश्विन तो होंगे ही। अरे भाई, रिकॉर्ड जो अश्विन का बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ इतना शानदार है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी और उस्मान ख्वाजा के खेलने के आसार हैं। ये तीनों ही लेफ्ट हैंडर्स हैं। ऐसे में अश्विन भारत के मारक हथियार बन सकते हैं। लेफ्ट हैंडर्स के अलावा अश्विन स्टीव स्मिथ के खिलाफ भी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पर्थ टेस्ट की प्लेइंग 11 में अश्विन टीम के इकलौते स्पिनर होंगे। उसके मुताबिक देखें तो जडेजा और सुंदर नहीं खेल सकते हैं। पर्थ की पिच पर ग्रीन ग्रास बताई जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि तेज गेंदबाजों की मौज रहेगी। ऐसे में भारत 3 पेसर के साथ उतर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार रेड्डी का टेस्ट डेब्यू देखने को मिल सकता है। क्रिकबस की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले पर्थ में फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान स्लिप कॉर्डन बनाया गया था, तो उसमें विकेट कीपर ऋषभ पंत के साथ पहली स्लिप पर देवदत्त पड्डीकल, दूसरी स्लिप पर विराट कोहली और तीसरी स्लिप पर केएल राहुल नजर आए। इनके अलावा गली की पोजीशन पर यशस्वी जायसवाल खड़े दिखे, वहीं ध्रुव जुरैल कभी वाइड गली तो कभी सिली पॉइंट पर तैनात दिखे। अब तस्वीरें तो झूठ बोलती नहीं और अगर प्रैक्टिस की तस्वीरों को देखें तो वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की तरफ इशारा करती दिखती हैं। क्रिकबस की रिपोर्ट में ही नेट्स पर की बल्लेबाजों की बैटिंग प्रैक्टिस के बारे में भी बताया गया। बल्लेबाजी पर उतरने वाली पहली जोड़ी यशस्वी और राहुल की रही, जिससे ये साफ हो जाता है कि यही ओपन करेंगे। उसके बाद विराट के साथ देवदत्त पड्डीकल आए और फिर पंत और जुरैल। तो पर्थ टेस्ट के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, चलिए आपको बताते हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पड्डीकल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, आर अश्विन, नीतीश कुमार रेड्डी, ये आपका बैटिंग ऑर्डर है, जहां पर 8 नंबर तक आपके पास बल्लेबाज ही हैं। प्लस आपके साथ रहेंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप या फिर हर्षित राणा। हालांकि हर्षित राणा का चांस बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आकाशदीप को हटाकर अगर आप हर्षित राणा रखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो ये टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 है, जो 22 नवंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में उतर सकती है।